2016 गुरुद्वारा रामसर साहब विखे स्थित गोल्डन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस लगी अग लगन के मामले सजा का ऐलान। 2016 की अंतरिम कमेटी पंच सिंह सेवाना ने सुनाई धार्मिक सजा। जाप करते हुए श्री दरबार साहब की परिक्रमा करने का दिता आदेश, हर मैंबर अपने कर्ज करेगा सहज पाठ। सहज पाठ दौरान नेड़े गुरुद्वारा साहब की जाए सेवा, एक साल तक श्रोमणी कमेटी नहीं दिता जाएगा कोई अहुदा। खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अकाली दल का विरोध होया तेज, ऑर्डिनेंसा खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा श्रोमणी अकाली दल। पार्टी के कानूनी विंग वालों किया गया ऐलान, अदालत में बिलों दी जाएगी चुनौती, लड़ाई में साथ देने सूबे के सारे वकीलों दिता सदा। हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा होया मंजूर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया इस्तीफा मंजूर। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर को दिता गया फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय का वाधू भार, वीरवार को किसान हितों लिए हरसिमरत कौर बादल ने त्यागया कैबिनेट का अहुदा। किसान हितों लिए हरसिमरत कौर बादल ने त्यागया अपना कैबिनेट का अहुदा, खेती बिलों के विरोध दिता अपना इस्तीफा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा अकाली दल में किसानों का विश्वास साढ़े लिए सब तो उपर, किसान हितों के खिलाफ जाने तो पहला साड़ी पार्टी नाल कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कैबिनेट में भी किसानों की शंकावां तो करवाया से जाने विरोध के बावजूद किसानों को भरोसे नहीं लिया गया और ना ही उन्होंने तौखले दूर किए गए। हरसिमरत कौर बादल ने कहा किसानों के नाल उन्होंने धी ते भैण वजों खड़े होने ते माण। केंद्रीय मंत्री का अहुदा छड्डन तो बाद सुखबीर सिंह बादल का बयान, क्या किसानों के शंके दूर ना किए जाने पार्टी ने किया विरोध। उन्होंने कहा कि विरोध में दिता इस्तीफा, अगे का फैसला पार्टी जल्द करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के शंकों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की की गई सी कोशिश। पंजाब सरकार वालों किसानों के शंकों को तवज्जो ना दिए जाने के चलद ही विरोध लिया गया फैसला। किसान हिताली लिए हरसिमरत कौर बादल ने त्यागया कैबिनेट का अहुदा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा अकाली दल जो कहता करके विखा है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कुर्बानी नाल भरिया अकाली दल का इतिहास, कोई भी अहुदा किसान हितों तो उपर नहीं। यूथ अकाली दल के आगू गुरदीप सिंह गोशा ने हरसिमरत कौर बादल के फैसले की की शलाघा। गुरदीप सिंह गोशा ने कहा अकाली दल लई पंजाब दे हित सब तो उपर, कोई भी किसान विरोधी फैसला नहीं होण देवांगे। खेती ऑर्डिनेंसा खिलाफ रेलां दे चक्के जाम करनगे किसान, 24 तो 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन की होगी शुरुआत। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किया ऐलान, 25 सितंबर को किसान जथेबंदियों वालों पंजाब बंद का भी दिता गया सद्दा। फतेहगढ़ साहब तो कांग्रेसी विधायक कुलजीत सिंह नागरा का इस्तीफा, एनडीए सरकार के तीन खेतीबाड़ी बिलों के विरोध दिता इस्तीफा। नागरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दी जानकारी, राहुल गांधी के नजदीकियों जो एक ने कुलजीत नागरा। चंडीगढ़ प्रशासन ने नवे भर्ती किए जाने वाले मुलाजमान से केंद्र सरकार के तनखा स्केल लागू करने का फैसला, पंजाब सरकार वालों लिए गए फैसले के आधार से केंद्रीय पे स्केल लागू करने लिए चुकया कदम। पहला ही चंडीगढ़ प्रशासन ने मुलाजमान से पंजाब पैटर्न दे लागू ते तनखा स्केल, पंजाब सरकार ने 17 जुलाई तो नवे पे स्केल सिस्टम करने का लिया फैसला। भारतीय किसान यूनियन उग्रह एकता वालों पुड्डा ग्राउंड तो पावरकॉम के मुख्य दफ्तर तक किया गया प्रदर्शन।
किसान आगुआं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चोणां तों पहलां कीता वायदे बणे लारे, कीता जावे उन्हां वायदिआं नूं पूरा। लंबी दे पिंड खियोवाली च इक एसी भाईचारे नाल संबंधित व्यक्ति दे कतल मामले च हाले तक नहीं हुई गिरफ्तारी, खेत मजदूर यूनियन दे विच रोस। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की कोठी का घिराव करन जा रहे मजदूरों नूं 3 किलोमीटर पहला ही पुलिस ने रोकया, मजदूरों ने उत्थे ही प्रदर्शन कर जताया रोस। संगरूर में 17 अगस्त चल रही आशा वर्करां की भुख हड़ताल हुई खत्म, आशा वर्करां का कहना है सरकार नहीं सुन रही उन्हां दी आवाज। आशा वर्करां ने दित्ती चेतावनी, जे ना मनिया मंगां तो 29 सितंबर मुख्यमंत्री के घर का किया जाएगा घिराव। पंजाब विच कोरोना की बेकाबू हुई रफ्तार, सूबे विच कोरोना के 2896 नवे मामले आए सामने। पंजाब विच कोरोना ने लिया 57 होर जाना, सूबे दे विच कोरोना करके हुण तक 2646 मरीजों की हुई मौत। पंजाब विच कोरोना के कुल मरीजों की गिनती 90,032 हुई, 21,568 एक्टिव केस, सूबे हुण तक कुल 65,818 लोगों ने कोरोना नूं दित्ती मात। बीते दिनी गुरदासपुर के पिंड बाजचक विच हुल्लड़बाजी करने वाले दो व्यक्तियों नूं कीता गिरफ्तार, बाकी दे अजे भी फरार। पुलिस ने कहा इन्हां दोहां नूं अदालत विच पेश कर रिमांड किया हासिल, बाकी मुलजमान नूं भी जल्द किया जाएगा काबू। बरनाला के रिहायशी इलाके में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस वालों पर्दाफाश, गुप्त सूचना के आधार से मारी रेड। पुलिस ने मौके तो 4 महिलावां ते 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज कर अगलेरी कार्रवाई की शुरू। मोगा पुलिस ने मिली बड़ी सफलता, वख-वख मुकदमों में नामजद 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ताबे के मुलजम कार से किसी बड़ी दुकान लुटन की फिराक में सन। पट्टी में 2 लुटदियां वारदातें आईं सामने, 2 व्यक्तियों नाल कुटमार कर खोए 1,60,000 रुपए। बागा पुराना दे मुदकी रोड से दिन दहाड़े एक बच्चे नूं कीता अगवा, करीब 12:30 बजे कीता गया अगवा। महज 11 साल का यह बच्चा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। भारत में 52 लाख तो पार होया कोरोना केसों का आंकड़ा, भारत में 24 घंटे कोरोना के 96,409 केस आए सामने, 1,174 मौत। देश में कोरोना के कुल केस 52,14,678, कोरोना के 10,17,754 एक्टिव केसों की पुष्टि। देश में 41,12,552 मरीजों ने कोरोना दी मात, भारत में कोरोना के 84,372 लोगों की ली जान।